खाने बनाने वाले विराट कोहली करूंगा आईज नोज एंड लिप्स में। सबसे पहले हम देंगे आईज को, इसलिए मैं ले लेता हूँ पहले एचपी। एचपी के लिए मैं अभी यूज़ करूँगा हमारी 0.5 की मैकेनिकल पेंसिल को, तो दे देते हैं। अब दे देते हैं हम इसमें थोड़े बहुत डार्क पोर्शंस, तो 6B से जैसे शार्प कर लिए 6B को। अब दे देते हैं अब इसके जो कॉर्नर है ये इसमें, अब मैं इसको भी ब्लेंड कर दूंगा। ये भी ब्लेंड हो चुकी है। ये नीडेबल इरेजर पिन बुलाए मेहमान। इधर से है ये थोड़ा डार्क, मैं दूंगा थोड़े बहुत डार्क पोर्शंस। फिर ये मैं हम लेंगे 2B पेंसिल, देख सकते हैं 2B की भी लेयर चढ़ा दी है हमने। अब हम देंगे थोड़े बहुत डार्क पोर्शंस, इसलिए मैं लूंगा 6B, देख सकते हैं। हर वीक में मेरे 2 टैक्स लगते हैं, तो देख सकते हैं। अब हम देंगे इसमें थोड़ी बहुत हाइलाइट्स के लिए मैं लूंगा ये नीडेबल इरेजर, तो देख सकते हैं। इसको मैं अच्छे से बना लेता हूँ पहले अपने हिसाब से। इधर थोड़ी बहुत हाइलाइट्स हैं कर देते हैं, और ये थोड़ी बहुत डार्क भी कर देते हैं। इधर का एरिया थोड़ा बहुत डार्क था। देख सकते हैं आप कुछ इतना हो चुका है। और अब मैं जो आई है इधर से भी हल्का हल्का डार्क करूंगा। देख सकते हैं आप थोड़ा थोड़ी बहुत हाइलाइट्स भी दे देते हैं इसमें। देख सकते हैं हमारा 1 पार्ट बिल्कुल अच्छे से होता हमारा हो चुका है 1st पार्ट। अब मैं दूंगा 2nd आई को, तो देख सकते हैं इसमें भी मैं लेयर बाई लेयर ही करूंगा। इसलिए पहले मैं लूंगा HB पेंसिल, HB नहीं है पर ये 0.5 की HB है। इसको आप 2 इसको कर दूंगा अच्छे से ब्लेंड, तो देख सकते हैं कि हमने पूरा व्हाइट एक लेयर चढ़ा दी है HB की। अब हम देते हैं इसमें 2B से थोड़े बहुत डार्क एरियाज, ये 2B ये रही। अब देंगे थोड़े बहुत इसमें डार्क एरियाज, तो ये देख सकते हैं 2B की मैंने एक लेयर
चढ़ा दिए इधर। और दूंगा डार्क एरियाज के लिए मैं लूंगा सिक्स भी पेंसिल। मैं अप्सरा की करता हूँ यूज क्योंकि मैं भी थोड़ी बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स भी दे देते हैं, तो थोड़ी बहुत हाइलाइट्स थी इसलिए मैंने दे दी। दे देते हैं इधर एचबी से कुछ टोन। अब मैं इसको कर दूंगा इधर से ब्लेंड। अब हम देंगे आई के जो अंदर का वो बॉल सी होती है पर मुझे पता नहीं उसे क्या कहते हैं। और ये मैंने कर देता हूँ इसको ब्लेंड। अब हम दे देते हैं इसमें कुछ हाइलाइट्स। अब मैं लूंगा 2B पेंसिल। ये 2B है ना भाई, ये पता लगे अभी जब मैंने 4H ले ली। एंड ऐसा ड्राइंग बनाना भी कोई मुश्किल काम है। अब देख सकते हैं इसमें भी दे देते कुछ हाइलाइट्स। थोड़ा बहुत इधर डार्क है तो इसलिए डार्क ही कर ही देते हैं यार। और इस वीडियो को जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए मैं। तो मैं और ये वाला पार्ट है इधर का भी रेडी हो चुका है, पर ये चश्मा है जो गोल सा है और इसको भी देना है हमें। इसको भी जल्दी से ये भी कंप्लीट हो ही चुका है ऑलमोस्ट। एचपी की लेयर इधर तो देख सकते हैं। अब मैं दूंगा इधर 2B की लेयर। डंडी है, मुझे पता नहीं इसको क्या कहते हैं पर मैं इसको डंडी कहूँगा क्योंकि मैं राजस्थान में रहता हूँ, हमारी अलग भाषा है कुछ। तो देख सकते हैं ये दोनों पार्ट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब भी कर ही देता हूँ, ये तो पूरा ही डार्क है भाई। अब हम देखने इसमें 2B की लेयर, ये रही हमारी 2B दीदी। अब हम इसको भी कर दूंगा मैं ब्लेंड। तो देख सकते हैं लेयर बाय लेयर से कितना अच्छी शेडिंग होती है और ड्राइंग रियलिस्टिक भी लगती है। अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ा बहुत इस मेथड को यूज ही करना। अब हम इसको भी कर लेते हैं अच्छे से ब्लेंड। आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो
हमारे ये जो पूरा भी हो चुका है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो इसके लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के जाना। नहीं, हमारे 30 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और आज का गोल लाइक होगा 20, तो देखते होते हैं नहीं। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।